हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हॉर्टिकल्चर ज्ञान एंड टुडे वी आर डीलिंग विथ इम्पॉर्टेंट डिशेज ऑफ चिली। हियर मेन डिशेज विच वी आर डीलिंग दैट वन इज लीफी कर्ल डिशेज ऑफ चिली विच इज़ कॉज्ड बाय लीफ कर्ल वायरस। ठीक है, लीफ कर्ल वायरस के द्वारा फैलता है और इसका जो वेक्टर है वो है वाइट फ्लाई, जिसका बोटेनिकल नेम है पेबेसिया टेबेकी। ठीक है, नेक्स्ट वन इज सिम्टम्स। सिम्टम्स तो वो क्या होता है कि डाउनवर्ड रोलिंग होते हैं प्लांट इसके पत्तियों के। ठीक है, लीफ मुड़े रहते हैं, रिंकलिंग ऑफ लीव्स होते हैं, पीलेपन आ जाती है। इसके अलावा जो है जो पौधा है वो झाड़ू नुमा हो जाता है। इंटरनोड्स जो है शॉर्टेंड हो जाते हैं, है ना। लिप्स जो है छोटे हो जाते हैं। इसके अलावा जो है लिप्स जो है पीले पड़ जाते हैं। ये सब इसके जो है सिम्टम्स हैं। और इसके अलावा जो है फ्रूटिंग जो है वो स्टॉप हो जाती है। जो फ्रूट अगर फॉर्म भी होते हैं वो छोटे होते हैं और डिफॉर्म्ड होते हैं। ठीक है, इसके जो अल्टरनेट होस्ट होते हैं वो टोबैको, टमाटो और पपाया है। नेक्स्ट है ट्रांसमिशन। ये सैप ट्रांसमिशेबल नहीं होता है ये वायरस, ना ही सीड बॉर्न होता है। ये जो ओनली ट्रांसमिटेड होता है वो है वाइट फ्लाई के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं कंट्रोल मेज़र। फील्ड सैनिटेशन करनी चाहिए, मतलब साफ़ सफाई फील्ड का करना चाहिए, रॉगिंग करना चाहिए अगर कोई प्लांट अफेक्टेड होता है। ठीक है, मतलब उसको हटा देना चाहिए, रिमूव कर देना चाहिए और जला देना चाहिए। ऑप्टिमम डोज नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र का अप्लाई करना चाहिए प्लांट्स में। लेटरल अल्टरनेट होस्ट जो है उसको डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए अगर रहे तो। और इसके अलावा जो है अपन केमिकल प्रैक्टिसेस में अपन कार्बोफ्यूरॉन का यूज़ कर सकते हैं। कार्बोफ्यूरॉन 3G 4 से 5 kg पर एकड़ में मेन फील्ड में सकिंग कॉम्प्लेक्स को या इंसेक्ट वेक्टर्स को रोकने के लिए। अगर इससे भी पॉसिबल नहीं होता है तो अपन सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे डाइमिथ्योएट 2 ml, एसीफेट 1 kg पर लीटर ऑफ वाटर। ठीक है, और कलेक्ट और डिस्ट्रॉय करना चाहिए। क्या मैंने पहले भी बताया है, इन्फेक्टेड जो वायरस प्लांट होते हैं उनका कलेक्ट करके डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए और उन्हें क्या करना चाहिए, जला देना चाहिए। यही है मेन। तो थैंक यू दोस्तों फॉर योर काइंड अटेंशन। जय हिंद, जय भारत।